हेलो नमस्कार, स्पोकन इंग्लिश मिथिलेश तिवारी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आपको हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में बताएंगे, अग्जली वर्ब्स के बारे में बताएंगे। हेल्पिंग वर्ब्स जो 24 सहायक क्रियाएं हैं, उन सहायक क्रियाओं का टेंस में कैसे प्रयोग होता है, केवल क्या क्या हेल्पिंग वर्ब्स हैं टेंस में, कौन कौन किस किस जगह पर आती हैं, उसी को हमको बताना है आपको कि हेल्पिंग वर्ब्स जो आएंगी टेंस के अनुसार। तो अगर हम बात करें डू और डज की, डू डज की, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया है डू और डज। प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज जब आएगा, आई वी यू दे बॉयज एंड से जुड़ने वाले किसी नाउन के साथ डू आएगा, और डज जो आएगा वो ही सी इट वन राम, कोई अकेला एक सिंगल नाम होगा उसके साथ आएगा। तो मेन चीज़ इसको देखने वाला है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब डू डज आएगा तो इसके साथ भी वन आएगा, अर्थात डू और डज जब भी आएगा तो भी वन लेकर के आएगा। सबसे बड़ी चीज़ें देखने की है, तो डू डज के साथ भी वन प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा। और अगर ये निगेटिव में बनेगा, जब भी बनेगा, तो डू और डस नॉट आया तब भी वन लेके आएगा। तो डू डस भी वन, डू डस नॉट भी वन, ये आपको देखने की चीज़ है कि डू डस आया नहीं तो भी वन आया। और अगर नेवर आता है, नेवर कभी भी नहीं, तो यहाँ पर देखने वाली ये चीज़ है कि भी एस या ई एस और भी वन आएगा। तो इतना ध्यान रखने की चीज़ है कि भी वन कहाँ आएगा, जब आई वी यू दे सहायक क्रिया रहेगी, अर्थात प्लूरल सहायक क्रिया रहेगी तो भी वन आएगा। और जब सिंगुलर रहेगा ही सी इट वन या सिंगल कोई नाउन होगा, नाम होगा, तो वहाँ पर हम जो है ई एस ले आएंगे। इतना ध्यान रखने वाली, एक बार फिर से देख लीजिए कि डू डज आएगा तो डू प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज है, तो आई वी यू दे बॉयज डू के साथ, क्योंकि प्लूरल है, डज सिमिलर है ही सी इट वन राम के साथ सिमिलर सब्जेक्ट के साथ आएगा। तो डू डज जब भी सेंटेंस में आएगा तो आपको स्पार्टिंग एरर में यही तलाशना है कि डू डज के साथ कहीं दूसरी वर्ब तो नहीं आ गई है, यस आई एस तो नहीं आ गया है, सेकंड फॉर्म तो नहीं आ गई है। डू डज नॉट के साथ भी वन आएगा ही आएगा निगेटिव में, और नेवर अगर मान लीजिए आ रहा है कभी नहीं के लिए, इतना ध्यान रखना है कि अगर वो ही सी इट वन नाउन कोई है, सिंगुलर नाउन है, तो उनके साथ भी एस आएगा, और अगर प्लूरल है आई वी यू दे है तो उसके साथ जो है भी वन आएगा। ये चीज़ देखने की चीज़ है। तो हम सेंटेंस के माध्यम से एक सेंटेंस हम उठाते हैं कि अगर हमें हमको कहना हो आई डू मैं करता हूँ, आई डू मैं करता हूँ, वी डू हम लोग करते हैं, हम करते हैं, दे डू वे लोग करते हैं, बॉयज डू बच्चे लोग करते हैं। अब यहाँ पर कहीं भी ऑब्जेक्ट नहीं लिया है, मेन वर्ब के रूप में डू है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है। मेन चीज़ यही देखने की चीज़ है, ये डू जो है मेन वर्ब के रूप में, करना के रूप में, कि मैं करता हूँ क्या करता हूँ ये नहीं पता, वी डू हम लोग करते हैं क्या करते हैं पता नहीं, दे डू वे लोग करते हैं या वो करता है, बॉयज लड़के करते हैं। तो देखने की चीज़ है यही है कि अगर हमको कहना हो कि आई डू वर्क मैं काम करता हूँ, तो यहाँ पर डू आया मेन वर्ब के रूप में है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। वी डू वर्क हम लोग काम करते हैं, दे डू वर्क वे लोग काम करते हैं, बॉयज डू वर्क बच्चे लोग काम करते हैं। तो मेन चीज़ है कि यहाँ का जो डू है वो मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है, तो मुख्य क्रिया के रूप में जो है डू आया हुआ है। इसको अगर हम कहें कि निगेटिव में तो कैसे बनेगा, निगेटिव में हमको डू नॉट से बनाना है, तो डू नॉट भी वन लेकर आएगा। यही चीज़ अगर हमें कहना है कि आई डू नॉट डू,
आई डू नॉट डू, या इसका कॉन्स्ट्रक्शन होगा या इसका शॉर्ट फॉर्म होगा आई डोंट, आई डोंट डू, मैं नहीं करता हूँ, आई डोंट डू, मैं नहीं करता हूँ। तो मेन चीज़ इसकी देखने की है कि डोंट आया और डोंट के बाद यहाँ की जो वर्ब है मेन वर्ब वहाँ पर भी वन ही है, दूसरा नहीं हो सकता है। तो आई डू नॉट डू, आई डोंट डू, तो जो डू है वो भी वन है, वहाँ पर हम यस या यस नहीं लगा सकते हैं। अगर इसको हमको निगेट बनाना है, निगेटिव बनाना है, तो इसी डू को हम पहले कर देंगे, डू आई डू, डू आई डू, क्वेश्चन मार्क प्लस करेंगे एंड में, डू आई डू क्या मैं करता हूँ, ऑब्जेक्ट नहीं है, डू आई डू क्या मैं करता हूँ। अगर इसको हमको डू आई डू, आई नॉट डू, डू आई नॉट डू, क्या मैं नहीं करता हूँ, तो आप इतना ध्यान रखिएगा ये जो डू है मेन वर्ब है और ये जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर डू जो है वो है हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, क्या मीनिंग दे रहा है, लेकिन यहाँ डू जो है वो मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है, और आई जो है वो यहाँ का सब्जेक्ट है। डू आई नॉट डू, अगर हम उसको कहें वाई डू आई डू, वाई डू आई डू, मैं क्यों करता हूँ, मैं क्यों करता हूँ, तो जब बीच में क्या कैसे कब कहाँ जहाँ आता है तो उसके इंग्लिश पहले लिखते हैं, तो वाई यहाँ का पहले है क्यों, क्यों वाई डू आई डू, मैं क्यों करता हूँ। तो यहाँ का जो डू है वो हेल्पिंग वर्ब है, वाई डब्ल्यू एच में है, आई यहाँ का जो है सब्जेक्ट में है, और डू यहाँ का मेन वर्ब है। मेन चीज देखने की चीज़ यही है, इसको हमको अगर कहना हो वाई डू आई नॉट डू, वाई डू आई नॉट डू, क्वेश्चन मार्क प्लस करेंगे, मैं क्यों नहीं करता हूँ, तो मैं क्यों नहीं करता हूँ जो यहाँ का डू है वो मेन वर्ब है और यहाँ का डू जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। तो देख रहे हैं हम कि डू के साथ जो है, अर्थात जब भी डू नॉट या डज नॉट आती है तो वी वन आती है, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो डज नॉट, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो डू नॉट आती है। इतना देखते हैं हम, जैसे ही डज, वह करता है, ही डज हिज वर्क, ही डज हिज वर्क, तो ही यहाँ का सब्जेक्ट है, उसके अनुसार डज यहाँ का मेन वर्ब है, मेन वर्ब है, हिज वर्क यहाँ का ऑब्जेक्ट है, तो ही डज हिज वर्क। अगर हम कहें ही डज नॉट, ही डज नॉट डू हिज वर्क, वह अपना काम नहीं करता है, तो डज नॉट, डज यहाँ का जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, किसके अनुसार, ही के अनुसार, तो ही सी इट वन, ही सी इट वन के साथ हम डज नॉट ले आएंगे और डू यहाँ की मेन वर्ब हो जा रही है। जबकि यहाँ पर देखिए कहीं भी आपको डू नज़र नहीं आ रही है, हिज वर्क है, तो डू हिज वर्क, तो यहाँ का मेन वर्ब जो है डू हो रहा है। इसको अगर हमको बनाना हो तो डज इंटू गेट में, डज ही डू हिज वर्क, क्या वह अपना काम करता है, तो डज, डज ही डू, तो डू यहाँ का मेन वर्ब ये हो रहा है, डज यहाँ की हेल्पिंग वर्ब है। और इसको अगर इंटरोगेटिव निगेटिव में बदलना हो तो क्या करेंगे, डज ही नॉट डू हिज वर्क, क्वेश्चन मार्क। तो डज अर्थात जब शुरुआत में क्या आता है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब की ही मीनिंग आती है क्या के लिए, तो डू डज के लिए क्या आएगा, तो डज ही नॉट डू हिज वर्क, क्या वो अपना काम नहीं करता है, क्या वो अपना काम नहीं करता है। मेन चीज डू यहाँ का मेन वर्ब है और भी वन में है। अगर इसको हमको कहना हो वाई डज, वाई डज ही डू हिज वर्क, वह अपना काम क्यों करता है, तो वाई हम लिए यहाँ डब्ल्यू एच में, डज यहाँ की हेल्पिंग वर्ब है, ही जो है सब्जेक्ट है, डू मेन वर्ब है, तो आप देख रहे हो कि डू भी वन में आया। इसको अगर इंटरोगेटिव में हमको क्या करना है, नॉट लगा देना है, वाई डज ही नॉट डू हिज वर्क, वह अपना काम क्यों नहीं करता है, तो यहाँ पर जो डू है मेन है, तो डज, डज यहाँ की जो है क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो इस तरह से अगर आपको कहना देखना हो, एक एरर अगर फाइंड आउट करना हो, इस पार्टिंग एरर को ढूंढना हो, तो आप बड़े आसानी से देख सकते हो। यहाँ पर अगर हम लिखें ही नेवर डू हिज वर्क, देखो ही नेवर डू हिज वर्क, तो अगर फाइंड आपको करना हो एरर, तो नेवर है, तो नेवर के साथ यहाँ डू गलत है,
तो यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में हमको क्या करना पड़ेगा, ही नेवर डज, ही नेवर डज, यही चीज देखना है। इन ही सी इट वन के साथ यहाँ डज आएगा, अर्थात भी वन आएगा नेवर के साथ, जबकि निगेटिव में हम यहाँ डू ले आए थे, डज नॉट के बाद भी वन आया, लेकिन नेवर नेवर के साथ सिंगुलर में हमको क्या करना है, यहाँ पर डज ले आना है। आई नेवर डू माई वर्क, आई नेवर डू माई वर्क, ठीक है, आई नेवर डू माई वर्क, तो नेवर के साथ यहाँ डू ले आए, यहाँ पर डज ले आए, यहाँ पर आई वी यू दे जो भी होगा, यहाँ पर आपका भी वन होगा, लेकिन ही सी इट होगा, यहाँ पर क्या होगा, डज होगा, इतना ध्यान रखना। यही स्पार्टिंग है, यहाँ पर मेन चीज है देखने की। दूसरी चीज देखने वाली चीज जो है वो एडवर्ब्स ऑफ टाइम्स है, एडवर्ब ऑफ टाइम को देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जो फ्रीक्वेंसी को बताता है, जैसे ऑलवेज हमेशा, ऑफन अक्सर, समटाइम्स कभी कभी, जनरली अक्सर प्रायः, डेली रोज रोज, एवरी डे प्रत्येक दिन, एवरी मॉर्निंग हर सुबह, वंस अ डे एक बार दिन में, एवरी इवनिंग हर शाम, ट्वाइस अ मंथ दो बार महीने में, एवरी वीक प्रत्येक महीने, प्रत्येक सप्ताह, नेवर कभी भी नहीं, सेल्डम बहुत कम, बहुत ही कम, ना के बराबर, और रेयरली मुश्किल से, सेल्डम बहुत कम। तो इस तरह से एडवर्ब ऑफ टाइम जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है, इसको देखने की चीज़ है कि ये मेन वर्ब के पहले आता है, इसको देखने की जो मेन चीज़ है, जहाँ आपको स्पार्टिंग एरर को ढूंढना है, वहाँ पर यही चीज़ देखना है कि ये मेन वर्ब के पहले आएगा, इसके पहले, मेन वर्ब के पहले आने वाली चीज़ है, मेन वर्ब के पहले आएगा, तो मेन वर्ब के पहले आएगा, या अगर हम कहें ही ऑलवेज ऑलवेज कम्स हियर ऑन संडे, ऑन संडे अर्थात रविवार को, वह यहाँ हमेशा आया करता है, वह यहाँ आया करता है, हमेशा आता रहता है, एक रिपीटिशन है, आता रहता है, आता है, तो ऑलवेज जो आया है वो सब्जेक्ट के बाद और कम्स के पहले, अर्थात मेन वर्ब यहाँ की यही है, मेन वर्ब यहाँ की कम्स है, तो कम्स के पहले यहाँ पर ऑलवेज आया। मेन चीज देखने की चीज यही है आपको कि मेन वर्ब के पहले, सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं, ही ऑलवेज कम्स हियर एट नाइट, ही ऑलवेज कम्स हियर एट नाइट, ऑलवेज हमेशा, वह यहाँ रात में हमेशा आया करता है, आता है, आता रहता है, आता है, तो ऑलवेज को आप देखिए, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए है, फ्रिक्वेंसी में है, तो ही और ऑलवेज ही सब्जेक्ट है यहाँ का, और कम्स यहाँ का मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में आ रहा है एडवर्ब ऑफ टाइम। देखने की जो चीज़ है यही है, आपको अगर एरर फाइंड आउट करना है तो यही देखना है, मेन वर्ब के पहले आएगा। ही समटाइम्स कम्स हियर एट नाइट, कभी कभी वो यहाँ रात में आया करते हैं, आता है, तो कभी कभी वो यहाँ आता है, तो समटाइम्स जो है सब्जेक्ट के और मेन वर्ब के बीच में है, कभी कभी यहाँ आता है रात में। ही सेल्डम कम्स हियर एट नाइट, कम्स हियर सेल्डम, तो कम्स मेन वर्ब है और ही सब्जेक्ट है, उसके बीच में सब सेल्डम है, बहुत कम रात में यहाँ आता है, बहुत ही कम, रेयर, बहुत कम आता है। ही नेवर कम्स है, इतना ध्यान रखिएगा, कम्स है, अगर यहाँ आई होती तो यहाँ कम हो जाता है, इतना ध्यान रखने की चीज़ है, तो अगर प्लूरल रहेगा तो कम होगा और सिंगुलर रहेगा तो कम्स होगा, तो ही नेवर कम्स हियर, तो जो नेवर है ये आपका निगेट भी है और एडवर्ब ऑफ टाइम भी है, तो आप फ्रिक्वेंसी में है, इतना देखना है। और ही यूजुअली कम्स हियर एट नाइट, यूजुअली अक्सर प्रायः बहुधा आया करता है यहाँ रात में, तो मेन चीज़ यह है कि मेन वर्ब के पहले और सब्जेक्ट के बीच में जो है आता है एडवर्ब ऑफ टाइम प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो मेन चीज़ आपको मिल गई कि इसमें देखने की चीज़ है टाइम की चीज़ है, और डू डज के साथ भी बनाएगा, और नेवर के साथ सिंगुलर में जो है यस या यस आएगा, और प्लूरल के साथ नेवर के साथ आप भी वन ले आएंगे।
तो सब्सक्राइब करिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार, धन्यवाद।